जन आक्रोश यात्रा के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने प्रेस वार्ता में भाजपा को घेरा। जन आक्रोश यात्रा को पूरी तरह सफल बताते हुए जिले की पांचों विधानसभा में जीत का किया दावा। प्रदेश में महिला अत्याचार, बालिक अत्याचार, दलित अत्याचार, बलात्कार में अव्वल रहने का लगाया आरोप। महिलाओं के बारे में पूछ रहा हूँ, मैं इससे बता पाऊंगा सर। मेरा प्रश्न है, मेरे एक तीन प्रश्न, एक ही प्रश्न मान सकते हैं आप। मध्य प्रदेश में जो नवंबर में चुनाव होने जा रहे हैं, इंडिया चुनाव लड़ेगी कि कांग्रेस? दूसरा प्रश्न इसी में है, क्या आपका समाजवादी पार्टी से जो गठबंधन हुआ है या हो रहा है, वो साइलेंट पार्टनर के रूप में हो रहा है कि सीटों का बंटवारा आप करेंगे? ये दोनों इम्पोर्टेंट। और तीसरा आखिरी प्रश्न है, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ जो इश्यूज उठा रहे हैं वो दूसरी बार शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ उठा रहे हैं? और 18 महीने में भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने कोई रिजल्ट्स नहीं दिए थे कि 2-4-10 बीजेपी के नेता जेल में होते तो विश्वास हो जाता कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस बहुत सक्रिय है। 18 महीने तो आप साइलेंट रहे, और जब सरकार गिर गई तो फिर भ्रष्टाचार, और अब फिर चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो आखिर भ्रष्टाचार इतना बड़ा इशू है मध्य प्रदेश का, तो उसमें रिजल्ट आपने 18 महीने में क्यों नहीं दिए पिछले चुनाव में, और अब क्या गारंटी है कि आप दोगे? तीन इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये विधानसभा प्रश्न की तरह तारांकित वन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मुझे तो भाई साहब को विधानसभा में भेज देंगे। दोनों तीनों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल सटीक पूछा है आपने। अलायंस पार्टनर्स के साथ किया हमारा हमारी पार्टी का गठजोड़ होने वाला है, और किस तरह का मध्य प्रदेश में रिप्रेजेंटेशन उनका हमारा होगा, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। ये नेशनल इशू है, पार्टी का इशू है। माननीय अध्यक्ष जी, खड़गे जी और तमाम वरिष्ठ नेता, इस बारे में निश्चित तौर पर चर्चा हुई हुई होगी, ऑब्वियसली हो रही होगी। सपा के साथ अलायंस का आगे क्या होगा ये भी दिल्ली ही तय करेगी। अब किस स्टेज पर बात हो रही है मुझे इसकी डिटेल जानकारी नहीं, लेकिन ऑब्वियसली जब चुनाव में जा रहे हैं और हमारा अलायंस है इंडिया के साथ में, इंडिया पार्टनर्स के साथ में, तो दिल्ली तय करेगी इसको। सेकेंडली, बहुत मुद्दे की बात आपने भ्रष्टाचार की थी। भ्रष्टाचार है तो जग जाहिर, क्योंकि आप तो मुझसे ज़्यादा जागरूक लोग हैं, इतना सारा चीज़ें आपको अपने लोकल इश्यूज़ के बारे में पता ही होगी। 15 महीने हमको मिले, 18 नहीं मिले, 15 ही मिले थे। तो 15 महीने में 4 महीने तो चले गए लोकसभा के चुनाव में, ये आपको पता ही, जब आचार संहिता लग गई थी। ये मैं मानता हूँ कुछ त्रुटि हमसे हुई, जो एजेंडा हमने फिक्स किया था उसमें थोड़ा आगे पीछे हो गए, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ, अगर आपको याद आओ कि जब हमने एक जिस तरह की क्या कहते हैं उसको, शुद्ध का युद्ध योजना हमने शुरू की थी, आपको पता ही होगा, शुद्ध का युद्ध, जिसमें कई सरकारी अफसरों को और फूड डिपार्टमेंट के लोगों को के ऊपर कार्रवाई की गई। आपने इंदौर की माफियाओं की बात आपके पास सामने आई होगी, एक बहुत ही नामी ग्रामी जितनी सोनी जी हुआ करते हैं, तो इंदौर में बहुत सारे अवैध काम करते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई सबसे बड़ी कार्रवाई कमलनाथ जी के रजीम में कहीं हुई है तो इंदौर में, जिनको जो पिछले 20 सालों से सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जा करके सारे अवैध धंधे वहाँ पर करते थे, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई, चीतू सोनी जो आप जानते होंगे, उनके खिलाफ की गई। हमारा बहुत प्रिसाइज एजेंडा है कि एक अच्छी सरकार मध्य प्रदेश को मिलना चाहिए। भाई, भ्रष्टाचार के विरोध हमारी लड़ाई, मेरी लड़ाई तो जारी रहेगी, मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि सरकार में आने के बाद ये सारी चीज़ें इसको तय करके इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। अरुण यादव जी भी विधानसभा प्रत्याशी कहीं देंगे, मुझे अपनी खुद में आत्म मिलानी हो रही है कि मध्य प्रदेश को किस ओर ले जा रहे हैं, और 18 साल सरकार को 18 साल नेतृत्व करने का मौका मध्य प्रदेश की जनता ने, और ये कैसे मामा है, ये कैसे भाई है, ये राजा भाई दिखावटी मामा है, फर्जी मामा है, इनके राज में मध्य प्रदेश बहन बेटियों अत्याचार देश में अवधि देश में उज्जैन की घटना देखकर हमारा दिल दहल जाता है, कोई भी व्यक्ति आम व्यक्ति होगा दिल दहल जाता है।
आए दिन हर तीसरे दिन यहाँ पर हमारी बहन बेटी के साथ दुराचार अत्याचार कैसी सरकार हमने बनाई। और मैं तो जनता से भी आह्वान करता हूँ कि सरकार जो सरकार हमारी बहन बेटियों की आबरू की सुरक्षा नहीं कर सकता है, जो सरकार हमारे नौजवान बेरोजगार को नौकरी नहीं दे सकती, जो सरकार हमारे किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं हो। इस मध्य प्रदेश में पिछले 22,000 किसानों ने आत्महत्या की। इस मध्य प्रदेश में हमारी बहन बेटियों की आबरू का आंकड़ा पिछले 18 साल में 27,000 होगा, इससे कम नहीं होगा। ये कैसा मध्य प्रदेश हम लोग ताना बाना बोल रहे हैं। मैं मामा जी को इस प्रदेश में रहने का कोई हक नहीं। शिवराज जी आपके राज में सबसे ज़्यादा जातियाँ, सबसे ज़्यादा दुर्व्यवहार हमारी बहन बेटियों के साथ, दलित आदिवासी, आपने देखा किस तरह से अपने कौन सा सीधी जिले में एक नौजवान आदिवासी के ऊपर पेशाब की जाती है, किस तरह से शहडोल जिले में एक 70 वर्षीय आदिवासी बुजुर्ग के साथ जूते तप्पलों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक के प्रति मारपीट करते, किस तरह से मध्यप्रदेश के हमारे दलित आदिवासी बहन बेटियों की आबरू सरेआम आए दिन लूटी जाती है। ये मध्य प्रदेश हमने की सरकार पिछले 18 सालों में ये मध्य प्रदेश सरकार का योगदान है प्रदेश की सफलता के लिए। और शिवराज जी उनकी सरकार को कोई हक नहीं है इस प्रदेश में रहने। आज सड़कों पर गौ माता है, रोज कई गौ माता से दुर्घटना हो रही है, लोग भी मर रहे हैं, गौ माता भी मर रही है। आपने प्रश्न किया है कहाँ है गोरक्षक, जो अपने आप को गोरक्षक मानते थे वो फर्जी गोरक्षक कहाँ है। और आज गौ माता हमारी सड़कों पर मरने के लिए तैयार है। आप क्या एश्योरेंस देते हैं कांग्रेस आएगी तो क्या होगा? आपको तो पता ही है, सबसे पहले सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम हमने किया था कि गौ माता के लिए गौशाला बनाई। 1,000 गौशालाएं, 10,000 गौशालाएं बननी थी, उसके 5 साल में 1,000 हमने पहले फैसला स्वीकृत की, जो बनकर तैयार हो गई हैं। गौ माता वहाँ रहने लगी, सरकार बदलते ही जो उसकी देख रख के लिए पैसा हमको सरकार को देना चाहिए था वो बंद कर दिया गया, इसलिए सारी गौशालाएँ खाली पड़ी है और गौ माता सड़क पर मर रही है। आज जन आक्रोश यात्रा में यहाँ कार्यक्रम जिला मुख्यालय में विदिशा में किया गया, विदिशा विधायक ने मुख्यमंत्री को चुनौती दी है तो वो यहाँ आकर चुनाव लड़े, क्या परिणाम देखते हैं? स्वागत है उनका आई। हाँ बस फोन लगा रहा था। मुख्यमंत्री जी का तो गृह जिला है, ये वही जिला है जिसको पेरिस बनाने वाले थे। जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की, सांसदों मंत्रियों को विधानसभा में उतारा है, उसको लेके क्या कहेंगे विदिशा में? स्पष्ट कर लीजिए, आपके मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की दाल पकनी है मध्य प्रदेश में, इसीलिए दिल्ली से सांसद लोगों को विधानसभा चुनाव लड़ा रहे। अब आपने देखा होगा कि हमारे कैलाश विजय क्या कह रहे थे, आपने सुबह स्टेटमेंट, उनको तो कोई रुचि नहीं चुनाव लड़ने, तो से लड़ाया जा रहा है। और प्रहलाद पटेल जी चाहे हों, चाहे हमारे होशंगाबाद के सांसद हो गए राउत, ऐसे सभी को इनकी कोई रुचि नहीं है, सब कुछ मस्त लड़ाया जा रहा है। स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश में इनकी रवानगी रहती है।